दोस्तों, टेरेस गार्डनिंग करना बहुत मेहनत का काम है। हर कोई करना सोचता है टेरेस गार्डनिंग या कोई बालकनी गार्डनिंग, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी है, मिट्टी ऊपर लानी हुई छत पे, जैसे हमारे देखो ये छत में तीसरी मंजिल में जो है ये टेरेस गार्डनिंग बना है, इसमें जो है मिट्टी ऊपर छत में लानी हुई, खाद की व्यवस्था करनी हुई पौधों के लिए। तो इसके लिए कई लोग सोचते हैं कि यार मिट्टी इतने ऊपर लानी है और मिट्टी कहाँ से लाई जाए, और अगर हम छत में गमले लगा रहे हैं तो कहीं छत में नुकसान ना हो, कहीं छत में कोई क्रैक ना आ जाए, छत टूट ना जाए। कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि कहीं छत में इतने सारे गमले वगैरह रखने में कहीं छत टूट ना जाए या कहीं छत में क्रैक ना आ जाए, छत में कहीं लीकेज वगैरह, पानी वगैरह की सीलन वगैरह ना आ जाए। तो आज सब ये क्वेरीज मैं दूर करूँगा। देखिए, मैंने छत में इतनी सारे गमले वगैरह लगा रखे, तो ये किस तरीके से लगाने हैं मैं आपको सब बताऊँगा। और आपकी जो छत है, छत में जो आपने गमले कहाँ पर को कैसे रखने हैं, ये सब मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो चैनल में नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर ज़रूर करें जिन लोगों को क्वेरीज हैं कि छत में जो है बालकनी गार्डनिंग या छत में जो है टेरिस गार्डनिंग करें या ना करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये जो ड्रम है ये रख रखा, देखिए छत में। आप भी इस तरीके से अगर ड्रम वगैरह कोई चीज़ रखते हैं तो आपको डर ये रहता है कि कहीं ये लेंटर में रख रहे हैं, लेंटर का कहीं क्रैक ना आ जाए या कोई सीलन वगैरह ना आ जाए। तो आपको सबसे पहले एक ख्याल रखना है कि आप कोई चीज़ भी रख रहे हैं तो पहले तो उसको दीवार, जो आपकी जो बीम वगैरह है, जहाँ पर वो बीम आता है, आपका जो दीवार वगैरह लगी है जहाँ पर कोई लेंटर का बीम आता है नीचे कमरे की जो ऊपर कॉलम है, तो उस जगह पर रखना है। आधा उस जगह पर ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आधा कॉलम में रहेगा, आधा दीवार से थोड़ा सा इधर को रहेगा, तो आपके जो है लेंटर पे जोड़ नहीं पड़ेगा। और कभी भी कोई आप ड्रम वगैरह या गमले रखते हैं तो स्टैंड ज़रूर लगाइए। देखिए, जैसे मैंने ये स्टैंड में रख रखे, ये सारे जितने हैं ये सब स्टैंड में ही रख रखे, और इस तरीके से रखिए कि एक 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 जगह पर इकट्ठा ना करें। जैसे दीवार है, दीवार के सहारे इसको लगा कर रखें, इससे आपके जो है लेंटर में जोर नहीं पड़ेगा। और हमने देखा है कि कई लोग कहते हैं कि इतना सारा जो है, इतने सारे गमले वगैरह पर छत में रख देंगे तो वैसे ही जोर पड़ना है लेंटर में, तो क्रैक आना हो सकता है, इसमें क्रैक आ जाए, लेकिन ये नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम कमरा जब ऊपर बनाते हैं, दो मंजिले में, तीन मंजिले में, जितने में भी, तो उसमें हम फ्रिज भी रखते हैं, हम उसमें अलमारी भी रखते हैं, उसमें बेड भी रखते हैं। तो उसी प्रकार से हम अगर हमें जितने गमले और या आप ग्रो बैग में अगर कोई चीज़ उगाते हैं तो अगर उसको तरीके से रखेंगे, तरीका मतलब कि आप अगर जो दीवार है, दीवार के साइड में, जैसे मैंने दीवार है, देखिए यहाँ पर को मेरी ये जो लेंटर की दीवार आई है, इधर को देखिए आप, ये लेंटर की दीवार आई है, इसके साइड में रख रखे सब गमले, इस टाइप साइड से रखने हैं कि आपके दीवार के साइड में ही रहे, ये नहीं कि बीच में कहीं पर कोई इकट्ठा करके एक जगह पर रख दिया, तो उससे क्या है लेंटर में जोर पड़ेगा, तो उससे आपका हो सकता है कि क्रैक आ जाए। लेकिन ऐसा मैंने रख रखे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आप दीवार के सहारे रखें तो उसमें क्रैक आ जाए, क्योंकि आपका कई सामान जो है लेंटर में रहता ही है, छत में आप कमरे बनाते हैं तो उसमें कई सामान रहता है, तो इससे जोर नहीं पड़ेगा। मेन जो आप है इसमें जो है आप स्टैंड ज़रूर लगाएं कोई भी, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई चीज़ स्टैंड में नहीं रखी है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, जैसे मैंने ये स्टैंड में नहीं रखा है, ये जितने गमले हैं मैंने नीचे फर्श में रखे हैं, लेंटर में रख रखे, इसमें क्या होता है सीलन आने का डर रहता है। देखिए, जैसे इसमें सीलन आ जाएगी, यहाँ से पूरा पानी जो है यहाँ रुके रहेगा, तो आपका जो है नीचे कमरों में सीलन आने का डर रहेगा। तो इसको आप कोई भी जो गमले वगैरह रखते हैं तो इस प्रकार से स्टैंड में रखिए, जैसे मैंने देखिए ये स्टैंड में रख रखा और ये दीवार के साइड में रख रखा, ऐसे ही मैंने इस तरफ भी रख रखे, देखिए ये भी स्टैंड में रखे हैं, देखिए इस प्रकार से आप भी स्टैंड में और दीवार के साइड में रखेंगे, बिल्कुल दीवार के सहारे, तो आपका जो है लेंटर सुरक्षित रहेगा। ये देखिए, जैसे मैंने ये अनार का पौधा भी लगा रखा, देखिए ये जो है ड्रम में लगा रखा, इतने बड़े, तो इतने बड़े ड्रम में आप लगा रहे हैं तो इसके लिए मिट्टी जो है कितनी ज़्यादा लगी, देखिए ड्रम में, तो आपको ये लगेगा कि मिट्टी ज़्यादा लगेगी तो इसमें जो है वेट पड़ेगा। तो आप मिट्टी भी ऐसी बनाइए कि पोरस मिट्टी, जो मतलब हल्की मिट्टी बने,
अगर आपको हल्की मिट्टी बनाने का अगर वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मेरे पुराने जो वीडियो बने हैं उसमें इस प्रकार की मिट्टी बनाना आप देख सकते हैं। और देखिए, जैसे मैंने ये लगा रखा टमाटर का पौधा, ये देखिए, कोई आप वेस्टेज सामान होता है उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन ये रखना स्टैंड में ही है। और जैसे देखिए अमरूद का पौधा लगा रखा, बड़े बड़े पौधे ही लगा रखे हैं, तो ये भी मैंने ड्रम में लगा रखा, तो इसके लिए भी मिट्टी जो है हल्की बनाई है और इसको इससे सुव्यवस्थित तरीके से बिल्कुल दीवार के कोने में लगा रखे हैं। इस प्रकार से आप भी अपने जो अगर टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं, बालकनी गार्डनिंग, तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई डर की बात नहीं है कि आपका लेंटर टूट जाएगा या क्रैक आ जाएगा या कहीं पर कोई सीलन आ जाएगी, इस बात के डर से आप टेरेस गार्डनिंग नहीं करते हैं। तो आज आप इस वीडियो को देखकर ये समझ गए होंगे कि टेरेस गार्डनिंग करने में कोई लेंटर को नुकसान नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मेहनत का काम ज़रूर है, लेकिन आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।